है है ना अभी? इतना नहीं है। कभी ना अभी कभी कभी तो करेंगी मैं वेट कर लूंगा। okay. पक्का पक्का कैसी चल रही रही जिंदगी अच्छी क्यों जानी चाहिए <laughs> आपको सोशल पे ऐसी कौन सी चीज है जो ट्रेंडिंग चीज चल रही हो और आपने की और बाद में आपको अफसोस हुआ हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंडी चीज चल रही हो या मैंने ना एक बहुत पुरानी ये हेलोइन लुक थी मुँह पे काला मास्क लगा के सर पे टॉवल पहन के बाथरूम पहन के ना पिक्चर खिंचवाई थी अपनी बहन भेन के बहनों के साथ उनके कहने पे आ रही है ड्रॉने दिखना है वो नहीं करना चाहिए था मुझे क्यों इतनी एक्स्ट्रा ड्रॉ लग रही थी <laughs> अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं <laughs> नाम आपका मरियम सफदर है सियासत में आने का इरादा है <laughs> नहीं <laughs>

नहीं <laughs> <laughs> मेरे माइंड में गाना आया था दुआ भी लगे ना मुझे वो मेरे माइंड में सुना दे अब बिचारी को आप दुआ भी लगे ना मुझे जब से दिल को मेरे तू लगा है कितनी बड़ी बात की है कितनी बड़ी बात की है आप बात को समझने की कोशिश करें बंदा खत्म हो चुका है ना उसको दुआ लग रही है ना, दुआ ना दुआ उसको कोई दवा लग रही है वो खत्म हो चुका है ये बिल्कुल लास्ट स्टेज वाली बात इन्होंने की है दुआ भी लगे ना मुझे दवा भी लगे ना जब से तू मेरे जब से दिल को मेरे तू लगा है ये को हैवी गंदी गलत चीज उसने खाई है जो जागे लगी है जिसकी वजह से ये हुआ है हाय अल्लाह ताला किसी को ऐसे मौके पे ना लेके आए जहाँ पे दुआ और दुआ नहीं उसी तरह करे अल्लाह ताला किसी को ऐसे मौके पे ना लेकर आए जहाँ पे दुआ भी लगे ना मुझे दवा भी लगे ना क्योंकि इसके बाद तो खत्म ही है सब अभी आप दुबई टूर पर गई थी वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि कैसा रहा गर्मी बड़ी थी गर्मी गोल्ला उधर तो सांस पे मिलती रही है उधर बहुत मुश्किल से सांस <laughs> लिया मैंने लेकिन मेरा वहाँ पे जो मैंने एक्टिविटीज़ की थी ना मैंने स्काई डाइव की थी लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग था मुझे एक पर्सन भी डर नहीं लग रहा था लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यानी कि कूदना एगदम और क्या था मुझे था कि मैंने करना है

मैंने गरम डबल रोटी पेप्सी में डुबो के खा ली है ठीक है तो आप जो मुझे अस्सी देंगे हम ना सॉल्ट पे गए थे ना वहाँ पे सॉल्ट तो, पे भी कितना खर्चा हुआ यार वहाँ पे हमारा तीन चार लाख रुपए लगा गोल्ड बर्गर गोल्ड स्टेक गोल्ड चाय सोना खा रही थी आप सोना पी रही थी वहां पे जाके मैं इनसे ना डेढ़ लाख लिस कॉफी का लेना ये बड़ा खर्चा करती है अच्छा सॉल्ट देखिए तीन लाख का खाना खा लिया लेकिन अगले दिन तो जो बात है, या है लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट की थी क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंट करना था वापस मैंने अपने लोगों के लिए किया तो लोगों है, नीजे आपको नीजे, नीजे, का जान के किया है अगली दफा दुबई जाए हमसे मतलब हम सब की है ना छोटे बहन भाइयों का भी ख्याल करना है

इज फजिया शौकत और मुझे आप ही से क्वेश्चन करना है मैम अगर आपको कभी बॉलीवुड या हॉलीवुड से कोई ऑफर होती है किसी भी कंटेंट या मूवी की तो आप ज्वाइन करेंगी हॉलीवुड की होगी तो मैं पूछूँगी भी नहीं किसी से मैं भाग जाऊंगी <laughs> मुझे लगता है कि एक और चीज़ हमारे घर में सिस्ट्रोलॉजी इतना देखा जाता है कि जो बिजी भी होगा जिसने नहीं भी कोई काम वो भी देखने लग जाएगा एंड शी इज अ बिगेस्ट फैन ऑफ हर तो कह रही थी कि मैं तो उनकी बिगेस्ट फैन हूँ मुझे तो कौन? जाना है और तो किसी को लेके अब स्टेज पर आओ बच्चे <laughs> मेरी बिगेस्ट फैन छोटी सी फैन हाँ. है असल इनको भी आपने ट्रिप पे ले लेके जाना है प्रॉमिस करे थैंक यू ये है असल प्यार जो आपने कमाया है